दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम भी आपके लिए उपस्थित है अपडेट वो अलर्ट न्यूज। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके लिए लेटेस्ट न्यूज आई है अभी, वह एम्स में एडमिट है। तो उनसे मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता आडवाणी। तो क्या है पूरी खबर और कैसे हालात अब आडवाणी जी के और किन किन बीमारियों से ग्रस्त है, आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबाए जिससे आपको इसी अपडेट वाला न्यूज मिलते रहे। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। उनके हालचाल लेने बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, साथ ही आज पहुंचे हैं आडवाणी। तो क्या पूरी खबर आइए जानते हैं विस्तार से। खबर निकल कर आ रही है दोस्तों जागरण से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बिगड़ने की खबरों के बीच बुधवार देर रात शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे। पीएम मोदी ने करीब एक घंटे तक एम्स के डॉक्टरों से वाजपेयी के स्वास्थ्य पर चर्चा की। वहीं एम्स मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि पिछले 24 घंटों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बिगड़ी है, वहीं अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और लालकृष्ण आडवाणी गुरुवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जानने एम्स अस्पताल पहुंचे। करीब 11 बजे एक्स अटल जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में मेडिकल बुलेटिन जारी किया। बुधवार को पूरा देश उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के उत्सुक था। इस दौरान एम्स के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। बुधवार को दोपहर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब होने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एम्स पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए शाम को एम्स के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया था। शाम करीब 7 बजे वाजपेयी की कुशल क्षेम पहुंचने के लिए पीएम मोदी ट्रैफिक रूट के ही अचानक एम्स पहुंचे और करीब 8 बजे तक रुके। प्रधानमंत्री के एम्स से जाने के बाद दक्षिण दिल्ली के डीसीपी रोमिल बनिया के मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देखने आए थे। उनको स्वास्थ्य स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, अश्विन कुमार चौबे और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी एम्स पहुंचे। एम्स के सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह वाजपेयी के सांसें लेने में तकलीफ हो रही थी, इसके बाद उन्हें जरूरी दवाइयां दी गई थी। दोपहर तक उनकी तबीयत स्थिर हो गई थी। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री पिछले 2 माह से एम्स में भर्ती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उन्हें सांस लेने में परेशानी व यूरिन व किडनी में संक्रमण होने के कारण 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह से अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक बताई जा रही है। एक्स के अनुभवी डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि भाजपा के संस्थापकों में शामिल वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वह पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। काफी दिनों से बीमार है वाजपेयी। दोस्तों आपको बता दें कि वाजपेयी काफी दिनों से बीमार है, जो वह करीब 15 साल पहले राजनीति से संन्यास ले चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर भाजपा की स्थापना की थी और उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। भारतीय राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। अटल बिहारी देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से है जिन्हें दूरदर्शी माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसे कई फैसले लिए जिसने देश और उनके खुद के राजनीतिक छवि को काफी मजबूती दी है। और दोस्तों यह एक ऐसे नेता है जिसका सम्मान बीजेपी के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता व कांग्रेस पार्टी भी करती है, क्योंकि यह हम कह सकते हैं निस्वार्थ राजनीति करने वाले प्रथम व एक आखिरी नेता माने जाते हैं। अब जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारियों के बारे में और क्या कहता है एम्स उनके लिए। दोस्तों एम्स का कहना है कि उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। एम्स की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में उनकी हालत और बिगड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी को गुर्दा यानी किडनी की नली में संक्रमण है, छाती में जकड़न, मूत्र नली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कर दिया गया था। मधुमेह पीड़ित 93 वर्षीय भाजपा नेता का एक ही गुर्दा काम करता था। हालांकि इन सबसे डिमेंशिया से भी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा पीड़ित है। दरअसल डिमेंशिया किसी खास बीमारी नहीं बल्कि एक अवस्था है। डिमेंशिया में इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है और वह अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाता। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों में लघु याददाश्त जैसे लक्षण को देखने को मिलते हैं। अक्सर लोग डिमेंशिया को सिर्फ एक भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं और सोचते हैं कि यह मुख्यतः याददाश्त की समस्या है, पर डिमेंशिया के अनेक गंभीर और चिंताजनक लक्षण होते हैं और डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति की हालत समय के साथ बिगड़ती जाती है और सहायता की जरूरत भी पड़ती जाती है। इसमें मस्तिष्क में हानि होती है। डिमेंशिया के लक्षण क्या है,
जानते हैं। याददाश्त कमजोर होना और लोगों को पहचान पाने में दिक्कत महसूस करना, बातचीत करने में दिक्कत होना, खाने पीने में भी दिक्कत होना, चलने फिरने में दिक्कत और कुछ सोच विचार करने में भी दिक्कत होना। अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बिगड़ने पर बुधवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे और साथ ही कई दिक्कत नेता वहां पर पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया था। वह पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। वह एक साफ छवि और हम कह सकते हैं कि एक निस्वार्थ राजनीति वाले नेता है। तो नमस्ते इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि जल्द ही ईश्वर उनको स्वस्थ करें। वह एक राजनेता के मार्गदर्शन में बीजेपी आगे बढ़े और सभी पार्टियां आगे बढ़े। तो साथ ही देश में धुआं का दौर जारी है दोस्तों। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें अटल बिहारी वाजपेयी के लेटेस्ट स्वास्थ्य के बारे में। और इसी प्रकार के देश दुनिया की तमाम खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट वाला अटल न्यूज़ मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।